उचिया कैफे नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली एक नारुतो का एक थीम है, ये उसमें एक क्लैन है उचिया करके, तो मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैंने उसी के बेस पे ये कैफे ओपन किया। उचिया कैफे का मैंगो जो अलग ही डिश है, इन्होंने आज ही लॉन्च किया है, देखते कैसा है, ट्राई करके देखते हैं। अगर आप लोग एनिमे के फ़ैन हैं तो फिर आप लोगों ने उचियास क्लैन को तो सुना ही होगा। तो आज हम एक ऐसे कैफ़े पे आए, उचियास कैफ़े, जिन्होंने एक स्मॉल स्टार्टअप है कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से, और ये कॉलेज स्टूडेंट ने एक छोटा सा आउटलेट, बोलो आउटलेट पे छोटा सा बना के अपना स्टार्टअप किया है। तो आज टीम बॉम्बे फूडी टेल आ चुकी है उचियास कैफ़े के पास, और हम आपको ले चलेंगे इनकी जो स्वादिष्ट मिल्क शेक्स होते हैं, जूसेस प्रिपेयर करते हैं वो यहीं पर बनाते हैं, वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो वी हैव टू सपोर्ट सम कॉलेज स्टूडेंट ऑल्सो, नए नए स्टार्टअप्स को। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि ये नाम इन्होंने क्यों रखा और इनका क्या थीम था। चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नितिन। तो नितिन, मैंने सुना आपकी स्टोरी में कि आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं। कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं, कॉलेज करता हूँ 9 to 4, फिर उसके बाद 5 से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिर आते हैं। तो कॉलेज के बाद आपको ऐसा छोटा कैफे डालने का था, इसलिए ऐसा छोटा स्टॉल आपने डाला है, मैं राइट? तो सर मुझे ये बताइए, और ये उचियास कैफे नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली एक नारुतो का एक थीम है, ये उसमें एक क्लैन है उचिया करके, तो मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैंने उसी के बेस पे ये कैफे ओपन किया। तो सर हमारे लिए बनाने वाले क्या आप? नितिन, मैंगो मिल्क शेक। मैंगो मिल्क शेक, मतलब इधर मैंगो मिल्क शेक भी है? कोकोनट। चलो ठीक है, देखते हैं। मेरे पास एक कोकोनट में मैंगो और एक मांगे के मिल्क शेक है लास्ट। चलो ठीक है, हमें पिलाइए। तो ये नारियल का फ्लेक्स जाएगा, मलाई जो मलाई है वो उसमें जाएगा। चलो ठीक है, डालो। तो ये पूरा पूरा नारियल का जो फ्लेश मलाई जिसको बोलते हैं वो अंदर डाल दिया, तो ये मलाई का मिश्रण जैसा काइंड भी हो सकते हैं। इसमें तो मैंगो पड़ेगा, राइट? देखते कैसा रहेगा टेस्ट। मैंने कभी मलाई और मैंगो मिक्स करके नहीं खाया है, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। नीचे से और ऊपर से आएगा, पर ये नहीं ट्राई किया। तो लेट्स सी, अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले। मलाई भी यूज किया इन्होंने, अब इसका पानी भी इसमें थोड़ा डालेंगे। तो ये डिश कहाँ से सीखी तुमने? गुड ट्राई किया था पहले। खुद ट्राई कर दो, सही है। आजकल जैसे कि वहाँ पे भाई ने ग्राइंड कर दिया, अभी जो मैंगो का स्टफिंग है वो इसमें अलग से डालेंगे, राइट सर? ये देखो मैंगो का, जो सब मैंगो घर से लेके आए, फ्रेश है पूरा मैंगो, और इसमें डालेंगे अंदर। अब ये जो स्टेप डालने वाले ना, ये कुछ अलग ही रेसिपी होगी। अब इसमें मैंगो का पूरा भर देंगे, मतलब अभी ड्राई फ्रूट देंगे, जो अंदर खाएगा ना उसको सरप्राइज मिलेगा, बोलेंगे भाई साहब ड्राई फ्रूट, वाह। मैंगो का सीजन चल रहा है तो भाई मैंगो लेके आए, कल स्ट्रॉबेरी का सीजन होगा तो स्ट्रॉबेरी भी लाएंगे। बोलते हैं ना लोगों को बदलना चाहिए सीजन वाइज से, तो हमारे नितिन भाई भी सीजन वाइज से ही बदलेंगे। आई लाइक इट। आप लोग भी बताओ भाई को अलग आइडिया दो भाई, आपके कमेंट जरूर पड़ेंगे, और कुछ नया नया बनाएंगे भी आपके लिए। ये देखो छुपा के डाला है, पता नहीं चलना चाहिए, सरप्राइज है किसी के लिए। किसी को डेटिंग के लिए लाना हो तो वो भी रिंग विंग भी डालते हो क्या? अब इसमें पड़ेगा मैंगो। बन गया। आप देखना मलाई डालेंगे, मुझे लगा कुछ टाइलर मार्केट डालोगे। तो ये अपना मलाई वाला मैंगो मिल्क बन चुका है, तो लेट्स ट्राई करते हैं नितिन भाई का। और इसका क्या कॉस्ट है? 280। उचिया कैफे का मैंगो जो अलग ही डिश है, इन्होंने आज ही लॉन्च किया है, देखते कैसा है, ट्राई करके देखते हैं। क्वाइट टेस्टी और यम्मी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आने के लिए। और भाई का जिस कॉन्फिडेंट है ना, उस कॉन्फिडेंट से मेरे को भी कैफे सबको
आपको इंडिया में खोलना चाहिए क्योंकि कॉलेज में साथ साथ आपको काम भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब आप कॉलेज में कुछ स्टार्टअप होना चाहिए, जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आपके पास एक रेडीमेड बिजनेस रहेगा। तो भाई ने भी ऐसे ही किया, छोटा सा कैफे किया, जब तक कॉलेज से निकलेंगे तो इससे भी बड़ा कैफे खोलेंगे। मेरी भी ऑल द बेस्ट है, मैं आपको दुआ करूँगा आपके लिए कि बड़ा कैफे खोले, और आप भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और कांदी अलाड में यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर भी आके विजिट कीजिए। थैंक यू।